ये देखिए, ये है 7 क्लास का, ये सोशल साइंस बुक है, और उसी वर्जन का इसी तरह का ये 8 क्लास का है। लेकिन जैसे कि स्टूडेंट लोगों के द्वारा मुझे पता चला कि ये 8 क्लास में नहीं चल रहा, एक दूसरा बुक है वो चल रहा है, तो चलिए इसको रिटर्न कर देते हैं। आप लोग बने रहिए, मैं दिखाता हूँ। झरिया जो है एक ऐसा जगह है, आप लोगों को पता होगा, झरिया जो है उसके नीचे जो है पूरा खदान जितना है, कोयला का खदान, वो टोटल जो है उसमें ये आग लगा हुआ है उसके नीचे में, मतलब काफ़ी खतरनाक जगह है वो। कब कौन सा घर भूधसान हो जाए, मतलब नीचे स्खलन धस जाए, कहाँ नहीं जा सकता है। चलिए अभी टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी निकलेंगे, क्योंकि बारिश लगाया हुआ है, पानी भी पड़ रहा है हल्का फुल्का, तो जल्दी निकलते हैं और फिर जल्दी रिटर्न आना होगा। टाइम तो काफ़ी लग ही जाता है, कम से कम 2 घंटा टाइम, 2 घंटा या उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, निकलते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ पे रास्ते पे जा रहा हूँ, झरिया जा रहा हूँ। ये है रास्ता, रोड जो आप लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इतने बड़े बड़े पहाड़ आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ है। चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये पहाड़ जो है मानव निर्मित है, इसे खदान कोयला निकालने के दौरान जो है ये सारे पहाड़ बने हैं। ये देखिए किस तरह का पहाड़ जो है ये बना हुआ है। यहाँ पे भारी वाहन चलती है और काफ़ी डस्टिंग होता है, काफ़ी गंदगी होता है यहाँ पे। देखिए ये पहाड़ जो है, इतने बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, लेकिन इसमें कोई चढ़ नहीं सकता, हो सकता है कि ये स्खलन हो जाए। ये सारे पहाड़ों में जो है आग भी लगे हुए हैं, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ आप लोगों को धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि और जब बारिश होती है तो और ज़्यादा धुआं निकलने लगता है। सारे जगहों में आग लगी हुई है, ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ अंदर में जो जितने कोयले हैं सभी जगह आग लगी हुई है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये झरिया के आसपास में पहुंच चुका हूं। यहां पे एक प्रोजेक्ट है, इसको पोखरिया प्रोजेक्ट कहा जाता है। और ये देखिए कितना सारा डस्टिंग हो रहा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। देखिए मैं जूम कर दे रहा हूं, देखिए यहां पे काम हो रहा है, कितना डस्टिंग हो रहा है। सभी जगहों में यहां पे लगभग आग लगा हुआ है, और फिर भी जहाँ पे कम आग है या जहाँ से संभव है कोयला निकालना, वहाँ पे निकाला जा रहा है। देखिए मैं यहाँ पे अभी बिल्कुल नज़दीक में ही आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए धुआं निकल रहा है और ये आग कभी नहीं बुझता, कितने सालों से, कई हज़ार सालों से लगा हुआ है, अभी यहाँ पे धुआं निकल रहा है। तो जब बारिश होती है कई जगह पर ये इस तरह के धुआँ निकलता है। इस तरह का ये जगह है, यहाँ पर बहुत ख़तरनाक जगह है। नीचे अगर व्यक्ति को, आदमी को देखा जाए तो एकदम वो चींटियों जैसा दिखाई देते हैं। गाड़ी भी बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बहुत छोटी दिखती है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप समझ पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे मैं झरिया पहुँच चुका हूँ, और ये बाज़ार में अंदर घुसने से पहले का नज़ारा है। और यहीं से क्योंकि किताब दुकान है, देखिए यहाँ पे इसके अंदर आप आगे बाज़ार जा सकते हैं, और मैं मुझे किताब दुकान की ही ज़रूरत था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। देखिए किताब दुकान है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे की बुक्स हैं यहाँ पे, नए पुराने दोनों प्रकार के बुक्स मिलते हैं। तो मुझे जो किताब चाहिए मैं वो लेने के लिए आया हूँ, और जैसे मुझे पता चला है कि यहाँ पे बुक मिल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से लेके निकलूँगा, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है।